अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ मियाँ मुआज़ और आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो यार, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने मोबाइल को अपने पीसी या लैपटॉप में मिरर कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप लोग कोई गेम खेल रहे हैं, उसको आप लोगों ने लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, ठीक है, वो भी अपने पीसी से या लैपटॉप से, तो वो हम अपने मोबाइल में गेम खेल के अपने पीसी में, यानी कि वो कैसे हम अपने गेम को दिखा सकते हैं, ठीक है ना, सकते हैं वो भी बिना किसी लैग के, ठीक है, और ऑडियो के साथ, ठीक है ना। आज मैं बताऊंगा आप लोग को, वो बिल्कुल फ्री है। तो चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने मोबाइल को मिरर कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हमने अपने मोबाइल में डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है, ठीक है। वो कैसे करना है, आप लोगों ने अपने सेटिंग में आना है, ठीक है। और अगर आप लोग MI यूज़र्स हैं, ठीक है, तो वो सिंपल बहुत आसान है। अबाउट फ़ोन में आना, अबाउट फोन में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है MIUI वर्जन, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने 8-9 बार करना है क्लिक, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये देखें, इसको 8-9 बार आप लोगों ने, ये देखें, यू आर नाउ आर डिवेलपर, ठीक है, हमारा डिवेलपर ऑप्शन ऑन हो गया। और अगर आप किसी और, यानी कि सैमसंग के या किसी और के अगर आप लोग यूज़र्स हैं, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने कहीं भी ढूंढ लेना है आप लोगों ने बिल्ड नंबर, ठीक है। और बिल्ड नंबर के बाद आप लोगों ने उसमें 8 से 9 बार टैप करना, तो आप लोग का भी डिवेलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ एडिशनल सेटिंग, ठीक है, इसको आप लोगों ने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद आप लोगों ने नीचे आना, तो ये देखें डिवेलपर ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों ने नीचे जाना, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ USB डीबगिंग, ठीक है, इसको आप लोगों ने ऑन कर देना, ठीक है। तो ये देखें, ये हमसे कुछ पूछेगा, तो आपने यहाँ पे सिंपल टिक करके, अब ये 5 सेकेंड बाद ओके का हो जाएगा, अलाओ ये परमिशन, ठीक है, तो हमने ओके कर देना, ठीक है। तो हमारा डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया। तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप में, ठीक है। हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दो लिंक्स दूंगा, ये दो लिंक्स, ठीक है, इनको आप लोगों ने सिंपल क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये जो है यूनिवर्सल, ठीक है, इसको आप लोगों ने अपने PC के अंदर इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। तो मेरा इंस्टॉल है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है कि रिपेयर, ठीक है, यूनिवर्सल ADP ड्राइवर, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये जो है ना, ये फाइल, ठीक है, इसको मैं सबसे पहले फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, फोल्डर के अंदर डाल के, ठीक है, तो इसको हम करते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये देखिए एक्सट्रैक्ट हेयर लिखा हुआ, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लोगों ने अपने डाटा केबल लेनी है, ठीक है, जिससे आप लोग का फ़ोन चार्जिंग में लगता है, ठीक है, वो वाली आप लोगों ने केबल लेके इसको आप लोगों ने अपने फ़ोन के साथ अटैच कर देना है और इसको PC के साथ, ठीक है ना। अटैच करने के बाद मोबाइल को अपने PC के साथ कनेक्ट करने के बाद आप लोगों ने जो एक्सट्रैक्ट की थी फाइल, वो आप लोगों ने करनी है ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद ये वाली जो है, ठीक है, ये वाला, इसको आप लोगों ने कर देना क्लिक, ठीक है। ये देखें, क्लिक करेंगे तो ये खुद ही मिरर हो जाएगी, ठीक है, आप लोगों को मोबाइल में कोई इसका सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने इसको कर देना क्लोज, इसको नहीं करना क्लोज, ठीक है आप लोगों ने, वरना तो आप लोग की मिरर जो है मोबाइल वो पीछे से बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ, तो ये देखें, ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल लाइव कोई लैग नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये देखें, मैं अब गेम ओपन करके दिखाता हूँ आप लोग को, तो ये देखें, ठीक है, कोई यानी कि इसमें लैग नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये वो कोई लैग नहीं हो रहा, ठीक है। तो सिंपल बैक चलते हैं, ठीक है, तो ये देखें कोई लैग नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे आप लोग अपने मोबाइल को अपने PC में मिरर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग को अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि आप लोग अपने मोबाइल से वेबकैम कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने मोबाइल का कैमरा अपने लाइव स्ट्रीमिंग में वेबकैम की जगह कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आएगी। और उससे अगले वीडियो में हम देखेंगे हम अपने YouTube चैनल में लाइव कैसे आ सकते हैं, वो भी OBS स्टूडियो से, ठीक है ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।